वेलकम टू माय क्लास। तो करें शुरू आज की क्लास वाटर के साथ, पानी पानी रे। कितने सॉन्ग्स, कितनी कविताएं, कितनी चीजें वाटर के ऊपर बनी हुई है, विच इज अ वेरी वेरी प्रेशियस रिसोर्स। एंड आई फील प्रेशियस तो एक बहुत ही छोटा वर्ड है वाटर को डिफाइन करने के लिए। सो आज की क्लास पानी के ऊपर, और जब इस क्लास के बाद आप पानी पिएंगे तो एक्चुअली मैं आप उसकी वैल्यू समझेंगे कि व्हाई वी से एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस। सो इसलिए एक आइडिया देने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पे वो कितना है और किस कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ सर्फिस की, अर्थ सर्फिस पे हमारा जो रेशो है, अगर आप देखो फ्रेश वाटर का, इट इज ओनली 3%, और सेलाइन वाटर जो ओशंस में होता है दैट इज 97%। 97% फ्रेश वाटर, हम ओशन वाटर नहीं ड्रिंक करते, आप जानते हैं ना क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ इट्स सेलाइन नेचर, नमकीन होने की वजह से। लेकिन जो उसका रेशो है दैट इज परसेंटेज है, दैट इज 97%। और मैं अगर बात करती हूँ इसी फ्रेश वाटर की जो हमारे पास 3% है, उस 3% में से अगर बात करें तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स 68.7% कवर करते हैं, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है दैट इज 30.1%, और बची हुई जो हमारे सोर्सेज बचते हैं जो सरफेस पे पानी आता है दैट इज 0.9%। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सो जस्ट इमेजिन अगर मैंने इनमें से भी बात करी तो हमारे पास इसमें से इस रेशियो में से ग्राउंड वाटर सिर्फ 30.1% है, और मैक्सिमम वाटर अगेन आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जा रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ये भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें आपके आइस कैप्स ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि ये परसेंट का वाटर अगर बहना शुरू हो गया जो अभी सिर्फ फ्रोजन स्टेट में है तो हमारा क्या होगा, राइट? जिसकी शुरुआत एक्चुअली हो चुकी है। और ये जो सरफेस वाटर था 0.3%, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हमारी सरफेस पे, तो उसमें से रिवर्स 2% है, स्वैम्पी एरियाज 11.9% है, और 11% है सॉरी, एंड जो लेक्स हैं वो 87% है। अब ना ही आप इसका पानी पी सकते हैं, राइट? ना इनका और ना इनका, लेकिन ये हमारा सरफेस रन ऑफ है, जो भी वाटर हमारा लैंड पे इकट्ठा होता है और वो ग्राउंड में नहीं जाता तो वो पार्ट बनता है हमारी वाटर बॉडीज का, जो जो हमारी वाटर साइकिल में बहुत हेल्प करता है, और ये हम आज पढ़ेंगे। सो आई थिंक इसके साथ आपको सबसे पहले वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सर्फेस पे किस तरह से होता है वो क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज द वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत छोटी क्लासेस से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इट वंस अगेन ताकि हम समझ सकें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है? और वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कितना एक्टिव होंगे आज की बात से। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी ओशन, रिवर्स, लेक्स, जिसका रेशो अभी आपने देखा, वहां से पानी के इवेपोरेट होने की, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से वॉटर फ्रॉम दीज वॉटर बॉडीज स्टार्ट इवेपोरेटिंग। और आपने पढ़ा इवेपोरेशन में क्या होता है, जो भी आपका लिक्विड वॉटर है वो राइज होता है एज वॉटर वेपर और गोज टू द स्काई। और दूसरा सोर्स क्या है, प्लांट्स, जहां पे होती है ट्रांसपिरेशन, और वो क्या है, लीव्स में से वॉटर का इवेपोरेट होना इज ट्रांसपिरेशन। तो इनकी हेल्प से जितना भी हमारा पेड़ पौधों में पानी था, हमारे वाटर रिसोर्सेज में पानी था, वो सारा इवेपोरेट होके आसमान में जाता है, ठीक है? और जब वो आसमान में जाता है तो वहां क्या होती है, कंडेंसेशन, क्योंकि वही वाटर वेपर जो है वो दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करती है, जो कि अगेन वापस आते हैं उन्हीं जगहों पे जहां से वो ऊपर गया था। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो यहाँ होती है,
और वो है जब रेन होती है, हम इसको प्रेसिपिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन रेन की भी फॉर्म में हो सकती है, स्नो की भी फॉर्म में हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह कितनी ऑल्टीट्यूड पे है, कितनी ठंड है वहां पे, राइट? तो रेन भी हो सकती है, स्नो भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, पर इनडायरेक्टली पानी नीचे आ रहा है, बस ये समझना है। तो जब वाटर नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जो भी रेन वाटर था वो नीचे आया, अब उसके पास बहुत सारे काम है, रेन वाटर के पास बहुत डिमांड है उसकी, या तो सरफेस रन ऑफ होगा जो कहाँ होगा, उन्हीं वाटर बॉडीज में दोबारा, जो रेशो आपने अभी पढ़ी थी सरफेस रन ऑफ की, तो ये जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो रेक्स रिवर्स लेक्स में दोबारा चला जाता है, पर उसका एक रीजन है वो क्यों जाता है, क्योंकि उसी पानी का जो नीचे आया है कुछ हिस्सा ग्राउंड वाटर में भी जाता है। और ऐसा क्यों है, कौन सा पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा और कौन सा सरफेस रन ऑफ के लिए होगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे इस पैरामीटर पे कि सॉइल का जो एरिया है, यानी जिन जिन जगहों पे, जिन जिस लैंड पे जब रेन वाटर आता है, अगर उसका बेस सॉइल है तो एब्जॉर्प्शन तो सिर्फ वही होगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन या परक्यूलेशन। और जहां पे पानी गिरा सीमेंटेड फ्लोर पे, बिकॉज इट्स सीमेंटेड, पोरोसिटी नहीं होगी, जो वाटर है वो ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से सरफेस रन ऑफ होता है और वो पानी सीधा लेक्स रिवर्स ओशंस में चला जाता है। और जहां जहां पे आपकी सॉइल है, जहां जहां पे फॉरेस्ट है, प्लांटिंग है, वहां पे सॉइल उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो वाटर परक्यूलेट होके ग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद की जर्नी क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली पीछे से आपको ये पता चला, पीछे की स्लाइड में थी हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, सरफेस वाटर जिसकी मैंने अभी बात करी थी वो लेक्स में, ग्लेशियर्स में या रिवर्स में जाएगा, क्योंकि सीमेंटेड जगह पे वाटर जाएगा और वो एब्जॉर्प्शन नहीं करता, और ग्राउंड वाटर वहां होगा जहां पे उसको सॉइल मिलेगी, जो धीरे 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 करके अपनी लेयर्स में वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और उनको वेल्स में पहुंचाएगा जो पुराने टाइम में होते थे। आजकल लोगों ने बोरिंग्स लगाई हुई है जहां पे हम डायरेक्टली वेल से तो नहीं निकालते, बट दैट इज अगेन योर ग्राउंड वाटर सोर्स। ऑलराइट, अब ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इलाबोरेटेडली बता रही हूँ कि ग्राउंड वाटर की स्टोरी क्या है, क्यों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर साइकिल का और आजकल का कंसर्न है, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। हमें यही ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है। सीमेंटेड वाटर, सीमेंटेड फ्लोर्स पे जितना पानी गिरा वो तो सरफेस रन ऑफ के लिए चला गया और वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वहीं से इवेपोरेशन दोबारा होगी, लेकिन ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? चिल्ड्रन, सो सबसे पहले ध्यान से सुनना जो मैंने पीछे बोला था और उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने बोला ग्राउंड वाटर तभी रिचार्ज होगा जहां पे प्लांटेशन होंगी, जहां सॉइल होगी, राइट? तो जहां सॉइल होगी वहीं एब्जॉर्प्शन होगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिफरेंट लेयर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राउंड वाटर की अलग अलग लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं इस लेयर पे आके वाटर रेनफॉल फॉल हो रही है, यस। फिर उसके बाद एंड दिस इज वेयर द सॉइल पार्टिकल्स आर, वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करके नीचे लेके जाते हैं। और वो जो सेकेंड लेयर आपकी आती है उस पर होते हैं एक्वीफर्स। एक्वीफर्स, व्हाट आर एक्वीफर्स? रॉक्स दैट एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि आप सॉइल का भी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और आपको पता है सॉइल में भी एक लेयर होती है जहां पे यू हैव अ बेड रॉक और उसके बियॉन्ड सॉइल नहीं जा सकती। सो जब वो वाटर एब्जॉर्ब होकर इस लेयर पे पहुंचता है वो फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं शो कर पाता, इसीलिए टेम्परेरिली जो वाटर है वो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है एक्वीफर्स में आके, यस। और एक्वीफर्स से थोड़े टाइम टेम्परेरिली रुकने के बाद दे मूव आउट फॉर द सर्फेस रन ऑफ, ओके। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बियॉन्ड, जहां पे यू हैव पोरस लेयर्स ऑफ सॉइल। एक्वीफर्स नॉन पोरस होते हैं, बट जैसा मैंने बताया जो पोरस लेयर्स ऑफ सॉइल होंगी जहां पे प्लांटेशन होगी, वहां से एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वाटर है वो धीरे 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 वाटर टेबल तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक पोरस लेयर है, राइट? तो वो पानी जब वाटर टेबल तक आता है वहां पे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना शुरू होता है। सो दिस लेयर ऑफ सॉइल हैविंग पोरस रॉक्स विच परमानेंटली होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, तो जिनके घर में बोरिंग्स होती हैं वो इजीली यहाँ इस लेवल तक उसको खोदा जाता है ताकि इस लेवल से पानी बाहर जा सके जो बोरिंग वाटर कहलाता है।
लेकिन मेरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्यों नहीं हो पा रहा? सरफेस रन ऑफ तो हो रहा है, सीमेंटेड फ्लोर से पानी, पोरस रॉक से, नॉन पोरस रॉक से पानी बाहर जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर्स की क्यों आ रही है? लोगों के घर में बोरिंग से अगर आप पानी डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो नहीं आ पाता, क्यों? थिंक अबाउट इट, मैंने दोबारा से कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और शायद यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर टेबल डिप्लीट क्यों हो रहा है, क्यों वाटर टेबल जो है वो हमारी नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपकी वाटर साइकिल में एज इट इज हैं. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? थिंक अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस. सो सबसे पहली प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी कोई अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, आपको लैंड चाहिए, आपको बहुत सारी जगह चाहिए जहां आपको बिल्डिंग्स बनानी है, तो आपका जो जमीन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन पोरस. आप वहां से फॉरेस्ट क्लियर करते हो, आप वहां से सारी सॉइल रिमूव कर देते हो उसको एक परमानेंट जोन बनाने के लिए, पक्का जोन बनाने के लिए. तो जब वहां से सॉइल रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा? पोरोसिटी खत्म हो जाएगी. यस, इसी वजह से सॉइल उस वाटर को कैच करने के लिए अवेलेबल नहीं होगी, और जितना जरूरी पानी है वो वाटर टेबल तक रीच नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. ये भी पहले पॉइंट से बहुत हद तक लिंक्ड है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? आप पेड़ों को काट रहे हैं, और आप पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि आपको वहां पे बिल्डिंग्स बनानी है. यस, और जब आप पेड़ों को काटते हैं तो सबसे पहले वहां की मिट्टी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से टॉप फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. तो जिस जगह पे अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन ऑटोमेटिकली होगा, और उसके लिए आप दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जहां पे पोरोसिटी नहीं मिल पाएगी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा. ओके, द थर्ड पॉइंट इज पोल्यूशन. क्योंकि पोल्यूशन जो है वो अगेन एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है. पोल्यूशन बहुत तरह का होता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, जहां पे आप सॉइल की क्वालिटी को इतना खराब कर देते हो कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं. एंड द लास्ट इज वाटर वेस्टेज. क्योंकि वाटर अगर वेस्ट हो रहा है तो वो सॉइल के पास भी सफिशियंट अमाउंट में नहीं जाता. हो सकता है वहां पे ऑलरेडी सॉइल हो, पर इस बार क्या हुआ? बारिश ही नहीं हुई. और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने वाटर का जो साइकिल है उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया है. ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट एक्सेस में कर दोगे, बाकी सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली यू नो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली सफर क्या करती है? वाटर साइकिल. ओके, सो आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि वाटर टेबल क्यों रिचार्ज नहीं हो पाता, ग्राउंड वाटर क्यों रिचार्ज नहीं हो पाता. बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिसेस. तो सारी गलती हमारी है, क्योंकि हम जब ये सब चीजें करते हैं हम कभी नहीं सोचते कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे. डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसमें सफर ह्यूमन ही करेगा, विच ह्यूमन बींग्स फॉरगेट. सो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल, वन मस्ट बी वेरी वेरी थॉटफुल अबाउट यूजिंग वाटर. सो रीजंस ऑफ वाटर स्कैसिटी, ये भी किसी तरह से उसी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है जहां पे हम डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की बात कर रहे थे. क्योंकि वाटर स्कैसिटी भी इसीलिए होगी क्योंकि वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर एक साइकिल में कोई भी चेन, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे अफेक्ट पूरी साइकिल को होता है. ओके, सो द फर्स्ट इज वेस्टेज बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. आप जानते हैं, जब आप के पेरेंट्स से पूछना, कभी उनकी स्टोरी सुनना, अगर वो कभी विलेजेस में गए हैं, गांव में रहे हैं, वहां पे ट्यूबवेल्स हुआ करते थे. तो जब फील्ड को इरिगेट करना होता था तो वहां फार्मर क्या करता था? ट्यूबवेल खोल देते थे और खुला पानी चलता रहता था पूरा दिन. लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि आप अगर ट्यूबवेल सुबह खोल दोगे रात तक शाम तक चलता रहेगा? पहली बात तो जिस प्लांट को आप इरिगेट करना चाहते हो उसको 50% भी पानी उसने कंज्यूम नहीं किया होगा, और वो जो बचा हुआ 50% था वो सारा वेस्ट हो गया होगा, क्योंकि दिन के टाइम इवेपोरेशन हो जाती है. सॉइल उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगी जितना वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. यस, सो इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत मायने रखती हैं. उसमें हम बहुत सारा वाटर सेव कर सकते हैं अगर हम इंटेलिजेंटली प्लान करें,
यस एंड यस यू नीड लिटिल बिट मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न डिवाइसेस, जहां पे शुरू में तो थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, लेकिन जो उसके इफेक्ट्स होके दे विल बी वेरी गुड. देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन से आप प्लांट्स रिमूव करते हो और सॉइल इरोजन जैसा मैंने अभी समझाया वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि टॉप लेयर बिल्कुल लूज हो जाएगी. यस तो सॉइल जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो चली जाएगी एंड एज अ रिजल्ट वॉटर जो है जो भी वहां पे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते थे, सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती थी, ताकि हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और हमारा वाटर साइकिल जो है कंफर्टेबली मूव करे वो नहीं हो पाएगा. तो आपने साइकिल का एक भी पॉइंट डिस्टर्ब कर दिया तो साइकिल ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाती है. देन यू हैव अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज फॉर दिस आपको ये करना पड़ेगा, आपको पौधे काटने पड़ेंगे, आपको जंगल काटने पड़ेंगे, तो फिर हमारा वाटर साइकिल अगेन डिस्ट्रप्ट हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी होती है. नाउ अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, जैसा मैंने बोला, इन सबको कर्व करने के लिए आपको इंटेलिजेंटली प्लान करना पड़ता है, जुडिशियली सब चीजें प्लान करनी पड़ती हैं कि कैसे हो. तो अब हम बात करते हैं वेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट की. तो आप सबके लिए ये लेसन है बिकॉज आपके नोन में जितने होंगे, इट इज योर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस, टू टेल पीपल कि हम इसकी जगह ये कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स सी, सबसे पहला प्लांट पाइपिंग सिस्टम, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये हम सबके लिए अप्लाई होता है. अगर हम सिर्फ फील्ड की बात ना करें, अगर हमारे घर में हमारा पाइपिंग सिस्टम प्लांट नहीं है तो बहुत सारा वाटर आपके घर में ही वेस्ट होना शुरू हो जाएगा. सो ये प्लांट पाइपिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत छोटे 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 स्टेप्स में बहुत सारा पानी सेव कर सकते हो. ओके, देन यू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आपकी टीचर्स ने आपको स्कूल्स में बहुत प्रोजेक्ट दिए होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक बहुत ही नोबल थॉट है कि जो बारिश का पानी आपके घरों पे आता है, आपकी छत पे या आपकी बालकनी में या आपके टेरेस पे, कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है, हम उसको रीयूज क्यों नहीं कर सकते. सो इट्स अ वेरी नोबल थॉट और ये सब कर सकते हैं. आपको इसमें अपने पेरेंट्स की भी हेल्प की जरूरत नहीं है. यू आर अ स्मार्ट जनरेशन, आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर सर्च करेंगे, यू कैन, आई एम वेरी श्योर आप ऐसे डिवाइसेस घर में खुद बना सकते हैं. यू कैन मेक अ कंटेनर, कनेक्ट देम टू द टेरेस या जहां से भी आपके आपके घर में सोर्स है रेन वाटर इकट्ठा होने का, आप उसको स्टोर कर सकते हैं और जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं आप उसमें उसको यूज कर सकते हैं. कितना पानी बचेगा आप खुद सोचो अगर हर कॉलोनी में सारे घर ये प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट कर दें. जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड देन आई टॉक अबाउट ड्रिप इरिगेशन. जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, अगर हम इरिगेशन प्रैक्टिसेस सही नहीं करते या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम सही नहीं करते तो बहुत सारा वाटर जो है उस प्रोसेस में वेस्ट होता है जिसको हम सेव कर सकते हैं, राइट. तो ड्रिप इरिगेशन इज वन ऑफ द मेथड्स जहां पे आप बहुत इंटेलिजेंटली इरिगेशन करते हो और अब बहुत सारा, अब वहां इमेजिन करो एक ट्यूबवेल की जगह अगर हम ये प्रोसेस करें ड्रिप इरिगेशन. और ड्रिप इरिगेशन एक्चुअली में है क्या, ड्रिप इरिगेशन में आपके पास एक बहुत नैरो ट्यूब होती है जिसको आप जो रूट जहां पे एक्चुअली आपको पौधे को पानी देना है जो कि उसके रूट्स के नियर बाय होता है, आप उसको सॉइल में उस जगह पे रख देते हो और ड्रिप बाय ड्रिप जो है वाटर उस सॉइल में जाता रहता है. अब इस प्रोसेस में पानी ड्रिप बाय ड्रिप जा रहा है, पर आप ये सोचो वो जो ड्रॉप ड्रॉप सॉइल में जा रही है वो सब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इवेपोरेट होके वेस्ट नहीं हो रहा. सो आप पानी भी बचा रहे हो और आपकी जो प्लांट्स हैं वो आपको 100% प्रोडक्टिविटी भी देंगे. एंड देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड स्प्रिंकलर. आप स्प्रिंकलर भी यूज कर सकते हैं और स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये स्कूल्स में आप देख सकते हैं फील्ड जहां बड़े बड़े फार्म्स होते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल फाउंटेन जिसमें पानी जो है वो स्प्रिंकल्स की तरह आता है, तो वो हम उस खेत के बिल्कुल बीच में लगा देते हैं. तो आप देखोगे अगर मैंने स्प्रिंकलर यहाँ लगाया, दिस इज लाइक दिस, तो पानी हर जगह अपने आप स्प्रिंकल्स की फॉर्म में जाएगा जहां पे पानी वेस्ट ना हो और पूरा वो घूमता रहता है राउंड राउंड राउंड, तो हर जगह पे पानी पहुंचता रहता है लेकिन यस वेस्ट नहीं होता, राइट. सो ये स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम बहुत सारा वाटर सेव कर सकते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट रिफॉरेस्टेशन, जिसकी मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल तो एक छोटी से छोटे बच्चे को भी पता होता है. हम शुरू से इनिशिएट करते हैं ये हैबिट्स कि कोई भी अच्छा दिन है या कोई भी नोबल कॉज है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन आया है, आप कोशिश करो कि आप और कुछ ना करो तो आप एक पौधा जरूर लगाओ. उसका रीजन अब आप समझ सकते हो. अगर मैं कहानी पीछे से उल्टी भी करूं तो आप समझो कि सारी प्रॉब्लम ही वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे हम ट्रीज को कट करना शुरू करते हैं,
राइट right? तो इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि एवरी पर्सन शुड एटलीस्ट प्लांट अ ट्री इन अ ईयर. एटलीस्ट अपने बर्थडे पे करो, अपने घर में कुछ भी ऐसा अच्छा आपको जिस दिन लगे कि हाँ आज मुझे भगवान को थैंक यू बोलना है, तो यू शुड प्लांट अ ट्री, राइट. क्योंकि जो उसकी सीड्स है, जो वही कहते हैं ना कि आप बोओगे तो आपको जब उसका फल मिलेगा, द प्रोडक्टिव थिंग्स यू विल गेट आफ्टर दैट वुड बी लवली. एंड रियली गॉड विल ब्लेस यू बिकॉज दिस इज वॉट इज दिस, ये ब्लेसिंग हमें ही मिलने वाली है इन टर्न, राइट. तो सबको ये समझना बहुत जरूरी है. देन यू यूज टू हैव बावरीज, जो अब कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो या कभी भी देखा हो, बहुत बड़े बड़े महल होते थे क्योंकि उनके पास एरिया बहुत सारा होता था. तो उनके बीच में एक ऐसा जगह होती थी जो आप देख सकते हैं, जिस जहां पे पानी जब भी जैसे बारिश हुई या बहुत सारा पानी आया, तो वो बावरीज जो थी वहां पे वाटर इकट्ठा हो जाता था. एंड वो क्या करते थे, वो उसी वाटर को यूज करते थे. आजकल के टाइम में स्पेस कम है, लेकिन पुराने टाइम में बावरीज में कलेक्ट किया जाता था. जैसे अब हम आपको रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं विद न्यू थिंग्स, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन आपके घर में कितनी जगह है, आप कहाँ उसको कंफर्टेबली कर सकते हो. जो पुराने टाइम के लोग थे जिनके पास बड़े बड़े महल होते थे, बहुत सारा एरिया होता था, वो वहां बावरीज में वाटर को कलेक्ट करते थे, राइट. तो अगर अभी भी किसी के पास इतना स्पेस है, यू कैन श्योरली ट्राई डूइंग दिस, राइट. सो ये सारी टेक्निक्स जो हैं हमें बताती हैं कि हम वाटर को मैनेज कैसे कर सकते हैं. लेकिन यस, ये सारी टेक्निक्स लार्ज स्केल पे एप्लीकेबल हैं. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट घर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसेस, सब कर सकते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल लोग इस चीज को समझने लगे हैं, कंपनी समझने लगी हैं, इंडस्ट्री समझने लगी हैं. तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स भी अपनाए हैं इन प्रोसेसेस को करने के लिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जगह पे किया जाता है, प्लांट पाइपिंग सिस्टम बहुत जगह पे किया जाता है. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स ऑल्सो, जो बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, जिसका आप पूरी कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बाय मी ओनली. सो उसके बारे में मैं आपको तब बहुत डिटेल में समझाऊंगी. बट दैट अगेन इज अ वेरी 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 इफेक्टिव मेथड. बट यस, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू डू दैट. बट लोग कर रहे हैं, ये बहुत 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 ही अच्छी बात है, और हम सबको इस चीज को और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए. तो ये हमारा था लार्ज स्केल पे. अब मैं बात करती हूँ पर्सनल हैबिट्स की, जहाँ पे हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपना के अपने वाटर को सेव कर सकते हैं घर पे, राइट. आप सबको ये प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जब आप एक बार अपनी हैबिट बना लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. छोटी क्लास से टीचर बोलती है जब ब्रश करते हैं टैप खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो, आपको जब रिक्वायर्ड थ्रू आउट द टाइम तो यू डोंट नीड वाटर ना, पानी वेस्ट ही हो रहा है. तो आप सिर्फ उसको टैप को खोलो ही तब जब यू हैव टू यूज वाटर. तो उस केस में कभी आप करके देखना आप कितना वाटर सेव करते हो, राइट. और ये आपके लिए नहीं, आपके घर में छोटे हैं बड़े हैं, यू शुड मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ चेक, क्या वो टैप से वाटर सेव कर रहे हैं. सेकेंडली, आपकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप मॉपिंग करते हैं. लोग क्या करते हैं, सीधा पाइप लगाई और पूरा वेड़ा आंगन जो भी है धोना शुरू कर देते हैं, विदाउट थिंकिंग कि वो इतना सारा वाटर आप वेस्ट कर रहे हो, राइट. आई अंडरस्टैंड वंस इन अ वाइल दैट कैन बी डन इफ रिक्वायर्ड, लेकिन मॉपिंग से आपको सिर्फ हाफ बकेट में आप वही सेम जगह साफ भी कर सकते हैं और इतना सारा वाटर सेव भी कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली, वेन यू टेक बाथ योर सेल्फ, आप एक बकेट यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग अ शार, क्योंकि शार में फ्लो ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट. तो यही काम जो आप शार में लेके करते हो, आप एक हाफ बकेट या ज्यादा से ज्यादा वन बकेट में भी वही सेम काम कर सकते हो, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर. लोग अपनी कार वॉशिंग करते हैं, जो भी चीज करते हैं, मेक श्योर आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लेके ही उसको करें, रादर देन यू नो यूजिंग फ्लोइंग वाटर. सो उससे भी अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप घर पे करेंगे, आप बहुत सारा वाटर सेव कर सकेंगे. तो बच्चों, प्लीज गिव अ थॉट टू दैट, सेविंग वाटर इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर नोबडी एल्स, फॉर योर सेल्फ, राइट. सो वट एवर यू आर डूइंग, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर कमिंग जेनरेशन, राइट. सो आई होप वी हैव लेफ्ट टूडे विद अ वेरी नोबल थॉट टू सेव वॉटर, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.